नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल DK मोबाइल केयर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लेके आए हैं सैमसंग का B310 मॉडल है। इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आज हम इसका नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, हमने सेट खोल लिया है और ये देखिए बोर्ड पे काम किया हुआ है, पहले से इसमें नेटवर्क रिपेयर हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, देख सकते हैं टेस्ट लगा हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको रीहॉट करेंगे पहले। अगर रीहॉट से नहीं हुआ तो उसको चेंज करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, किसी कारणवश हमारा वीडियो नहीं आ रहा था, तो अब वीडियो लगातार आएगी और इस पर लगातार हम मेहनत करेंगे। तो हमारा इस चैनल DK मोबाइल केयर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हमने टेस्ट डाल दिया। दोस्तों एक बात बोलना चाहेंगे, जब भी आप क्रिस्टल को आप रीहॉट करते हैं या चेंज करते हैं, तो CPU पे कोई चदरा जो रहता है उसको ज़रूर डाल लें। इससे आपका CPU सेफ रहेगा, क्योंकि पेस्टेड CPU होता है। अगर इसमें ज़्यादा हीट लगेगा, उसका अंदर से बॉल शॉर्ट हो जाएगा, उससे हीट बाहर नहीं निकल पाता है, तो सेट डेड हो जाता है। तो चलिए हम बोर्ड को ठंडा कर लेते हैं, ठंडा होने देते हैं जब तक। चलिए बोर्ड ठंडा हो गया, ये चेक करते हैं। कोई भी काम करते हैं दोस्तों, तो बोर्ड को ज़रूर क्लीन कीजिए। क्लीन ना करने से आपकी बुराई हो सकती है। किसी और शॉप पे अगर कभी कस्टमर ही तो है, कोई और काम के लिए जा सकता है, तो क्लीन करके रखिए। क्लीन करने से आपका काम कैसा हुआ है वो दिखता है आपको, कितना फ्रेश काम हुआ है। चलिए सेट ऑन हो चुका है, देखते हैं नेटवर्क आया कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, नेटवर्क आ चुका है, 80 लिख के आ गया। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखिए।